लेकिन सरपंच की गरिमा, सरपंच की परिप्रेक्षा और सरपंच का स्वाभिमान बचाने के लिए वो लोग कभी आगे नहीं आते। मेरे युवा नौजवान साथियों, हमने कम समय में इन निर्वाचित सरपंचों का सम्मान करने का जो सौभाग्य प्राप्त करने का प्रयास किया, उसे दुमिल करने का हम लोगों ने काफी हद तक प्रयास किया। लेकिन मेरे युवा नौजवान साथियों, हमने घर घर हर हाणी हाणी जाकर इसका न्योता दिया, लेकिन ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं ना, वो कह तो ये देते हैं कि हम आपके संगठन में साथ हैं और आपके प्रोग्राम में आने के लिए तत्पर हैं, लेकिन उनको संख्या बल ज्यादा दिखती है, सरपंचों का सम्मान समारोह उनके नजर में कुछ भी नहीं है। मैं सभी निर्वाचित सरपंचों से एक बार फिर से निवेदन करना चाहता हूं, आपको जो जिम्मेदारी, आपको जो समाज ने विकास की गरिमा को उन ऊंचाइयों तक ले जाने का जो प्रयास करना है, वो आपके कंधों पर बड़ा भार होगा। मैं जिस गांव से निकल कर आया हूं, जिस परिवार से मैं निकल कर आया हूं, उसका नाम संसार की हर कड़ी हर रिश्तेदारी पर मैंने लिया जाता था, लेकिन अब कुछ दिनों से कुछ ऐसा महसूस होने लगा जो मैं आज यहां महसूस करता हूं। मेरे युवा नौजवान साथियों, हमने इस लेटर के अंदर उन बड़े बड़े लोगों को जाकर उनसे विनती और विनम्र किया कि हम अपने पैसों से, अपने बल से, अपने जोश और आवाज से एक छोटा सा प्रोग्राम करने की इच्छा है, ताकि हम 63 ग्राम पंचायतों के सरपंचों से मिल सके और वो गांव की विकास की बातें कर सके। लेकिन उन लोगों ने, कि वो तो ऐसी बड़ी बड़ी कंडीशन और बड़ी बड़ी जगहों पे बैठते हैं, उनके तो काफी इधर गुर्दे एक चांदाल चौकड़ी बाहर बैठी रहती है, उस चांदाल चौकड़ी की परमिशन लेकर के उन तक पहुंचा जाता है। लेकिन हमारे ये सिद्धांत तो नहीं है, हम ना तो अपना स्वाभिमान बेचते हैं, ना हम अपना सिद्धांत बेचते हैं। अगर हमें काबिलियत होगी तो आज 63 है, हम 63 हजार करके भी दिखाएंगे, ये हमारा आप लोगों से वादा है। मेरे युवा नौजवान साथियों, जिस विचारधारा को लेकर हमने समाज के अंदर एक नई पहचानने की शुरुआत करने का जो प्रयास किया ना, कुछ लोगों ने जो अड़ंगा हमारे बीच में अड़ाने का काम किया, आने वाले समय में हमें उनका मुंह तोड़ जवाब देना। लेकिन फिर भी मैं सरवण जी की बात को लेकर बड़ा उत्साहित हूं कि उन्होंने अपने मुखार बिंद से इस संगठन की गरिमा और इस संगठन की व्याख्या को बताने का जो प्रयास किया। लेकिन आप सब इस गांव के अंदर हमने इसलिए चुना, ये गांव एक सेंटर के बीच के अंदर है, या के गांव के वासियों का हमें साथ मिलेगा, लेकिन दलगत राजनीति ने समाज को ही नहीं, संगठन को ही नहीं, देश को भी बांटने